ਲੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੂਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਯਾਰ ਚੂਹੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਆਹ ਚੂਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਚੂਹੇ ਦਿਖਾ ਚੰਗੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਆ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ ਜਹਾਂ ਪਰ ਤਬ ਜੇ ਕਹਤੇ ਤੇ ਵੋ ਵਾਹ ਕਿਆ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਘੰਟਾ ਘਰ ਕੇ ਪਾਸ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇ ਤੋ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਲ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਦੇਖੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ये चौक है घंटा घर का ये चौड़ा बाजार की तरफ सड़क जाती है और साफ सफाई का तो हालात जो आपको दिखाई देता है थोड़ा सा आगे चलते हैं नीचे चलो भाई आगे चलो आगे चले जाओ आगे चले जाओ हाँ दिखाते हैं जरा आगे चल के दिखाते हैं खींच लो भाई खींच लो अपने ई रिक्शा सब खाली घूम रहे हैं ई रिक्शा वाले कारोबार कम है ना अरे वाह ये क्या है अच्छा बाद में देखते हैं उसको ये देखो यार जब आप छोड़ो यार में एंटर करोगे ना तो देखिए गंदगी दिखाओ यार ये गंदगी दिखाओ ये देखो छोड़ा बाजार में यही हालात होते हैं ये देखो ये घंटा घर के पास ही है और जहाँ सारा रास्ता पैदल चलने का है हमने पहले कई बार दिखाया है कि जहाँ पर सफाई का यही इंतजाम है स्वच्छ भारत का ये नमूना है लुधियाना शहर में और देखे जहाँ दूर तक ये घंटा घर से शुरू होता है चौड़ा बाजार घास मंडी तक 3 नंबर डिवीजन तक जाता है ये बाजार काफी यानी के ये जो ओल्ड सिटी है चौड़ा बाजार से घंटाघर तक और उसके बाद 3 नंबर डिवीजन तक इलाका पड़ता है उसके साथ आसपास ये वादी थी 1947 से पहले तो देखिए ये पुराने घर जो हैं ये दोबारा बनने के बाद फिर ये धराशाई हो रहे हैं टूट रहे हैं लेकिन उससे पहले ये ओल्ड बिल्डिंग थी सारी जितनी भी है घंटा घर के आसपास हाँ चलो ये जो भैया दोस्तों को देखो लोगों ने शॉपिंग करने के लिए आते हैं यहाँ पर चाहे दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में आए तो जहाँ भी देखिए दिल्ली के एक नहीं सैकड़ों बाजारों में ऐसे बाजार लगते हैं और देखिए ये दिखा तो दुनिया दिखा यार इतना ये थैले वाला दिखा दे बोरेड़ी वाला दिखा दे दिखाओ ना तुम वो दिखाया सामने वहाँ मेरे को कैमरा पकड़ना नहीं यार नहीं तो मैं दिखाता अच्छी अच्छी चीज़ें इधर दिखा दीजिए साहब बैठे हैं पगड़ी वाले हाँ देख इधर आओ आगे से आ इधर से आ यार आगे से दिखा जरा और की हाल है तेरा और सरदार जी की हाल है किधर आए बठिंडा तो बठिंडा की कर रहे घूमना है कुछ सामान लेना है नहीं इतने रहने थी अच्छा 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 लाइव तेरी पर्सनैलिटी वादू है उस्ताद है साहब जाते हैं दिन भी आजकल तो मना रहे हैं ना वो तो महीना है चार साहब जाते हैं हाँ हाँ बारे पता तेन चार साहब जाते जो तो मुसलमानों जिले तेन पता नहीं बारे है मैं घट ही पता अच्छा अच्छा चल कोई गल वधिया गल है यार तू सोच है पापा जी पता होना बट मैं इन्होंने कोई भी स्टोरी पढ़ी चार साहब जाते हैं अच्छा पढ़ी है मैम पढ़ी है कि कॉलेज पढ़ना थर्ड ਗਾੜੀ ਚ ਪੜਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਦੋ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਖਰੀਦਤੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਤੋ ਜਹਾਂ ਪਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹਮਨੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਰੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਕਭੀ ਵੀ ਜਬ ਚਲਤੇ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆਈਏ ਇਸਕੋ ਬਤਾਈਏ भाई हम जब चलते हैं ना तो हम रुकते नहीं है हम कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं कारण क्या है कारण इसलिए कि ये गंदगी तो कितनी पड़ी है किसने साफ करनी है ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं ना आप इसको लुधियाना को स्मार्ट सिटी बोला जाता है अच्छा। तो मेरे हिसाब से ये स्मार्ट दिख रही है कितनी स्मार्ट सिटी है हमारी स्मार्ट सिटी कहते कितनी है देख लो बाकी यहाँ पर ना लोग दूर दूर से आते हैं गर्म कपड़े खरीदने के लिए ये देखिए कोई जुराब ले रहा है दिल्ली में भी ऐसे हैं बड़े बड़े शहरों में लेकिन होजरी की तो बहुत बड़ी मंडी है ना बोलन के कपड़े की जो कपड़े होते हैं हाँ जी तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं आप भी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए वैसे घूमने के लिए आए ये मैं देखने आया था मैं गाड़ी पे आया था मैंने देखा यहाँ पे इतना ट्रैफिक है इतना रश है यहाँ पे भीड़ धक्का ज्यादा पड़ रहा है ठीक है ना दिन त्यौहार का टाइम है
यहाँ पे इतनी भीड़ इतना रश है, मैं तो गाड़ी पहली मोड़ पे लगा के आया। अच्छा, ये गाड़ी कहते हैं पार्किंग में लगा के आया, एमसी की पार्किंग है यहाँ मादरानी चौक में, वहाँ गाड़ी लगा के आओ, इधर उधर गाड़ी लगाओ तो टो करके ले जाते हैं, 1000 रुपए देना पड़ता है। व्यवस्था यहाँ पे बहुत बुरी हाल है भाई, सफाई का बुरा, बहुत बुरा हाल है। लुधियाना स्मार्ट सिटी बनना ना, कहा स्मार्ट सिटी बन रहा है, जो गन सिटी बन गया। भैया अपने शहर को अच्छा बोलो, कोई बात नहीं, सरकार कुछ करेगी तो देखिए। यहाँ पर दूर तक दिखा दे भैया, ठीक है ना, वो देख कैसे फिरके चल रही है बुढ़ी माई का जरा झांटा, वो भी देखो खाली रखा है लाल लाल जहा है। चलो दोस्तों, शहर जिदा आप देखे तो उद्धर थोड़ा बुखाता, ये लुधियाना शहर है चौड़ा बाजार, यहाँ पर हर रोज ही भीड़ होती है, आज सोमवार का दिन है तब भी यहाँ पर इतनी भीड़ है, संडे को तो यहाँ पाव रखने की जगह नहीं होती। ठीक है भाई।